नमस्कार, सलाम, जोहार, जमशेदपुर। मैं आकाश कुमार सहयोगी अमित जी के साथ आज मौजूद हूँ इंजीनियर्स वाला बर्न एंड बारबेक्यू। नाम काफी यूनिक है, वैसे ही यहाँ की काफी सारी स्पेशलिटीज है। 131, सही सुने, 131 टाइप्स ऑफ ग्रेवीज मोमो जो पूरे इंडिया से इन लोगों ने डिस्कवर करके और टेस्ट करके बनाया है, चाहे वो राजस्थान झारखंड हो गया। हरियाली मोमोज है, तंदूरी मोमोज है, पेरी पेरी मोमोज है, काफ़ी तरह के जो मोमोज है, और या बड़े बड़े मोमोज, छोटे मोमोज नहीं, काफ़ी बड़े बड़े और काफ़ी टेस्टी, हर अलग ग्रेवी में हर अलग टेस्ट आ रहा है। और बता दें, यहाँ पर आपको डेढ़ फीट का रोल मिलेगा, 1 से 2 बंदे उसे आराम से खा सकते हैं। बता दें ये कहाँ पर है, विद्यापति नगर, जो बारीडी और सिद्धगोड़ा के बीच में है। यहाँ पर विद्यापति नगर AIWC स्कूल के जस्ट अपोजिट में ये लोकेटेड है, इंजीनियर्स वाला बर्न एंड बारबेक्यू। काफ़ी सारे ऑफर्स इन लोग रेगुलर बेसिस में निकालते रहते हैं, रेट भी इसका काफ़ी जेन्युइन है, काफ़ी कपल्स के लिए ये काफ़ी कूल सा एम्बियंस भी देता है। तो जल्द से जल्द आइए बर्न एंड बारबेक्यू। तो अब हमारे साथ मौजूद है बर्न एंड बारबेक्यू के ओनर प्रशंजीत भाई। तो इतने सारे डिशेज हैं, इतनी यूनिक डिशेज हैं, कहाँ से लाते हो ये सब आइडिया? ये सारा कुछ जो है हमारा एक्सपेरिमेंट किया हुआ है हमारा, और हमारे पास टोटल 131 टाइप्स ऑफ ग्रेवी मोमोज है। स्टीम्ड और फ्राइड मोमोज हम बेचते नहीं हैं, ठीक है। और ग्रेवी मोमोज में भी अभी हमारा जो है 85 ग्रेवीज जो है, मतलब 85 टाइप्स ऑफ ग्रेवी मोमोज अभी ऑन एयर है, और बाकी अभी और भी है, क्योंकि हमने अभी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में डाला हुआ है एप्लीकेशन, तो जब वहाँ से आएगा तो वो सारा भी आउट करेंगे। बहुत कुछ है, इतने कम रेट पे इतना बेहतरीन प्रेजेंटेशन और इतना बेहतरीन टेस्ट कैसे दे देते हो भाई? कम रेट पे इसलिए है क्योंकि हम चाहते हैं कि जो मेरा खाना हो तो टेस्टी है ही, बट पॉकेट फ्रेंडली भी हो। ये क्या है, इतना जाइंट सा रोल? एक फीट का रोल है, आप बोलोगे तो मैं मेजरिंग टेप से मेजर करके भी दिखा देता हूँ आपको। ये एक फीट का रोल है हमारे पास, पूरे जमशेदपुर में और झारखंड में अगर बोले तो 1 फीट का रोल, 1.5 फीट का रोल मेरे पास ही मिलता है। अब हमको थोड़ा सा बताओ भाई, इसमें कौन कौन सा, ये क्या क्या नाम है इसके? काफ़ी अलग अलग कलर और बहुत बेहतरीन ढंग से बाहर आ रहे हैं कलर। ये देखिए, जैसे आप ये वाला ग्रेवी देख रहे हो, ये है पेरी पेरी ग्रेवी, ठीक है। ये आपका चीज़ी और क्रीमी ग्रेवी होगा, ठीक है। ये येलो वाला जो है, ये है आपका राजस्थानी ग्रेवी, ये थोड़ा स्पाइसी है और क्रीमी है। ये जो है, ये आपका झारखंडी ग्रेवी है, झारखंडी ग्रेवी, इसीलिए ग्रीन दिख रहा है। हाँ, झारखंडी, ये हल्का मिंटी फ्लेवर में होगा, ठीक है, मिंट वाला। हाँ, यहाँ पे जो आप देख रहे हो, ये ब्रोकोट ग्रेवी है, ये टैंगी और थोड़ा स्पाइसी फ्लेवर में होगा। जो ये मेरा सबसे पहला ग्रेवी है और ये सिग्नेचर है मेरा, ये और ये पेरी पेरी, ठीक है। ये निलारी ग्रेवी है, इसलिए इसको ब्लू रखे हैं, बेसिकली बच्चों के लिए होता है, क्रीमी बटरी टेस्ट है इसका, ठीक है। और ये जो है, ये भूटानी ग्रेवी है, स्पाइसी क्रीमी वाला ग्रेवी है। और भी बहुत सारे ग्रेवीज है मेरे पास, ठीक है, वो आपको मेनू में दिख जाएंगे। तो हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए, जिसको घर से ज़्यादा पैसे नहीं मिलते, उन लोग, और मोमो का काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ है जी, उन लोगों के लिए क्या ऑफ़र है? देखिए, आपके वीडियो को जो देख के आएंगे उनके लिए ऑफ़र तो है ही, ठीक है। और बाकी रेट तो बहुत जेन्युइन है, मगर हम उनके लिए अच्छा डिस्काउंट देंगे, वो जब भी आए हमारे पास, बस आके बोले कि आपके वीडियो के थ्रू से आए हैं। और हमको ये बताइए कि और भी इसमें अलग अलग एक्सपेरिमेंट होने वाले, कि अभी इसमें रुकना है आपको? नहीं नहीं नहीं, अभी एक्सपेरिमेंट्स, देखिए बीइंग अ इंजीनियर एक्सपेरिमेंट्स करते रहना चाहिए। तो अभी हमारे पास कुल्लड़ मोमोज आएंगे, कुड़कुड़े मोमोज में भी ग्रेवी मोमोज आएंगे, और हंडी मोमोज है, फिर फायर शॉट मोमोज है, बहुत कुछ है। बस थोड़ा स्पेस और हम बढ़ाना चाह रहे थे, स्पेस बढ़ेगा तो और वैराइटीज लाएंगे। थोड़ा सा अपना हमको पास्ट बताइए कि इंजीनियरिंग छोड़ के फूड लाइन में कैसे आना हुआ? देखिए, बीइंग अ इंजीनियर, पहले मैं टाटा टिम्कन में काम करता था, तो वहाँ से मन किया कि यार क्या कर रहे हैं हर रोज़, तो मैं गुड़गांव गया, प्रॉपर्टी लाइन में घुसा, प्रॉपर्टी सेल्स में आया, वहाँ से दुबई गया, दुबई अबू धाबी मैंने प्रॉपर्टी सेल किया, और फिर वहाँ से मैं वापस आया था यहाँ 2020 में। तो मैंने सोचा कि यार कुछ स्टार्टअप किया जाए, और मैंने देखा कि देखिए मोमोज सब बेचते हैं, मगर वो जो ग्रेवी मोमोज टाइप का एक कॉन्सेप्ट है, मतलब स्टीम फ्राइड हर एक जगह मिल जाएगा, पर मेरे पास लोग क्यों आएंगे अगर मैं स्टीम फ्राइड ही बेचूंगा? तो मुझे लगा कि नहीं, कुछ अलग करना चाहिए। तो सिर्फ 3 ग्रेवी से हमने चालू किया था उस टाइम, एक निलारी था, एक राजस्थानी था, एक ब्रोकोट था, ये 3 ग्रेवी से हमने चालू किया था। धीरे धीरे हम इम्प्रोवाइज करते गए, एक्सपेरिमेंट्स करते गए। पहले आप ये शॉप देख रहे हो, ये छोटा सा शॉप हुआ करता था, एक ही शॉप हुआ करता था, और इसके पीछे छोटा सा किचन हुआ करता था, बहुत छोटा सा, और मैं ही बनाया करता था। धीरे 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 1.5 साल लगा और हमने ग्रो किया, अभी टीम है 8 लोगों की मेरे पास, और हम अच्छा काम कर रहे हैं। बाकी तो अभी हम बहुत जल्दी बिष्टुपुर और गुड़गांव का ऑलरेडी एग्रीमेंट हो चुका है, गुड़गांव में भी आ रहे हैं, और फ्रेंचाइज हम सेल आउट कर रहे हैं अभी। चलिए, बहुत बढ़िया। तो अब चलिए, बात तो काफ़ी हो गई है, अब हम लोग भी खा के बताते हैं। अब हमारे प्लेट में पेरी पेरी मोमो, चलो पहले इसका टेस्ट लेते हैं।
और इसका टेस्ट बताते हैं, क्योंकि कलर तो काफ़ी खुल के आ रहा है बाहर। पेरी पेरी बहुत लोगों को पसंद और अभी काफ़ी ट्रेंडी भी है ये मोमोज। अगर आपको स्पाइसी और बहुत काफ़ी पिज्ज़ा वाला भी इसमें टेस्ट आ रहा है, स्पाइसी मोमोज पसंद है तो आप पेरी पेरी प्रेफर कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, जो पूरा ऑथेंटिक येलो में है, ये राजस्थान का है। तो राजस्थान की इसमें क्या फ्लेवर आ रही है, काफ़ी माइल्ड सा चीज़ का फ्लेवर आ रहा है राजस्थान में। जैसे काफ़ी राजस्थान में लोग जो है वो चीज़ मक्खन बटर को बहुत प्रेफर करते हैं, तो उसको देख के ये राजस्थानी टेस्ट आ रहा है। एक्साइटमेंट हमें अपना झारखंडी का है, झारखंडी खा के चेक करते हैं। ये थोड़ा सा ग्रीन ग्रेवी इस पर डाल के अब ये अपनी झारखंड की। जैसे भैया ने बोला काफ़ी मिंट का फ्लेवर है, स्ट्रांगली मिंटी फ्लेवर आ रहा है, काफ़ी सूथिंग लग रहा है, रिफ्रेशिंग। हम लोग जैसे झारखंड है ही हरियाली, फ्रेशनेस से भरा, काफ़ी बेहतरीन। और ये जो एक फीट का जो रोल आप इसके अंदर देख सकते हैं, पूरे चिकन के जो चंक्स है वो भर के भरे हुए हैं। अब इसका भी टेस्ट करते हैं और काफ़ी बड़ा लग रहा है। एक बाइट में 3-4 चिकन के चंक्स मुंह में आ गए। अमेरिका से 2 जन के लिए रोल काफ़ी होगा, रेट भी काफ़ी कम है। ऐसा रोल खाना जल्द से जल्द बर्न एंड बारबेक्यू आप लोग आओ और इतना बेहतरीन रोल का लुत्फ उठाओ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट किसी भी रेस्टोरेंट में होता है कस्टमर्स का क्या रिव्यू है, उनको किस कैसा लगता है खाना, जो डेली कस्टमर्स है उनसे पूछते हैं। और चलिए जानते हैं उनको कैसा यहाँ का लगता है। नमस्कार मैडम, अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम कोमल कुमारी है। आप यहाँ फर्स्ट टाइम विजिट किए हो कि रेगुलर बेसिस में आते हो? रेगुलर बेसिस में। क्या लगता है ऐसा जो आप यहाँ पर रेगुलर आते हो? बहुत टेस्टी है सर यहाँ का, जो भी एग रोल पनीर मोमोज वगैरह सब बहुत टेस्टी है। और इनका मोमो भी काफी बड़ा बड़ा फिलिंग हैवी रहता है। हाँ, और टेस्टी सबसे अलग है यहाँ पे। ये और देख सकते हैं कि ये रोल एक ही था, इनको बाय टू किया। हाँ, बाय टू किया गया है क्योंकि इतना ही में हमारा पेट भर जाएगा, रात को हम खाना भी नहीं खाने वाले। बस ये बहुत टेस्टी है एकदम। आप यहाँ पर मोमो खाते हो कि नहीं? खाते हैं। कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। देखिए इतना छोटा सा बच्चा ये भी यहाँ पर मोमो काफी चाव से खाता है। सर आपका क्या कहना है यहाँ का टेस्ट के बारे में? यहाँ का जो एम्बियंस है काफी होमली सा लगता है स्टूडेंट्स के लिए और यंग जनरेशन के लिए भी काफी कैची लगता है। बहुत जबरदस्त है यहाँ का लुक और यहाँ का जो आइटम्स है लाजवाब, बहुत टेस्टी। और हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हो, कैसे उन्हें हम लोग यहाँ पर बुलाएं? बुलाने का जरूरत ही नहीं सर, जो एक बार यहाँ से खा के जाएगा वो दोबारा आएगा ही आएगा। यही बात हम लोग कहना चाहते हैं कि एक बार बस टेस्ट एक बार कर लीजिए, ये जो जुबान पे आप लोगों को जो टेस्ट लग जाएगा फिर आप लोग दोबारे चले जाएंगे। क्या हीरो कहाँ से आए हो? मैं बारीडी से। यहाँ रेगुलर आते हो? हाँ रेगुलर। कैसा लग रहा है टेस्ट नूडल्स का? बहुत अच्छा। और यहाँ पर स्टाफ्स का कैसा बिहेवियर है, क्विक सर्विस है या लेट है? क्विक है, क्विक है एंड बहुत अच्छे से बिहेवियर, बहुत अच्छा बात वगैरह सब। रेट कैसा लगता है यहाँ पर? बहुत सही, बहुत एकदम 100 रुपीज में आपका पूरा नाश्ता खाना सब हो जाएगा। तो आप यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हमने काफ़ी देखा है, काफ़ी आप स्पीड में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। कितने साल से आप यहाँ काम कर रहे हैं? मेरे को भाई यहाँ पे 1 साल हो गया। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अक्षय भट्ट है, मैं कहते बेसिकली उत्तराखंड से हूँ और इधर मैं प्रसन्न जी सर को ही देखा, मैंने उनका यहाँ पे आइडिया देखा कि उनका आगे क्या ग्रोथ है। फिर इससे पहले मैं बहुत सारी जगहों में काम करता था, 5 स्टार होटल में मैंने किया है, काम किया है। फिर यहाँ आया, इनका देखा, आइडिया देखा, फिर हम दोनों भी साथ मिलकर, हमको 1 साल हो गया। उत्तराखंड से आप यहाँ पर हम लोग को मोमोज खिला रहे हैं, ये अलग अलग एक्सपेरिमेंट कितने साल लगे? मेरे को वैसे अभी तक यहाँ पे होटल इंडस्ट्री में 5 साल हो गए। मैंने होटल इंडस्ट्री में 5 साल दिया है, रेडिशन ब्लू में काम किया है, हयात में काम किया है और सर का मैंने आइडिया देके टाटा स्टील जोड़ा कि मैंने जॉब छोड़ी हुई है। टाटा स्टील छोड़ के भाई यहाँ पर
मोमोज बना रहे जो काफी बेहतरीन और काफी बढ़िया टेस्ट है। साथ देखा भाई, हमने एक टाइम ना ग्रोथ देखा, अभी मैं उस समय का ग्रोथ देखता तो मेरे को वो चीज़ भी अच्छा था भैया। तो मैंने सर का देखा, साथ देखा, देखिए भैया आज के टाइम स्ट्रगल है, आगे जाके हम लोग करेंगे कुछ अलग करेंगे, ठीक है। और हम लोग ये तो चाहते हैं भाई कि हमारे कस्टमर जो भी हैं उनको हम लोग बेस्ट ही दें, अच्छा दें। आप हमारे व्यूअर्स को कैसे बुलाना चाहते हो अपने उत्तराखंडी तरीके से, कुछ हमें ये बताओ उत्तराखंडी टाइप। देखिए भैया, उत्तराखंड वाले का सीधे एक ही सीधा है कि जो भी देंगे अच्छा देंगे, ठीक है। और बाकी तो भैया देखिए, जो भी आएगा खाना देखेगा, खाने का टेस्ट देखेगा, खुद ही चला आएगा भैया। हमें कुछ उत्तराखंड में जो आपका जो लैंग्वेज है वो कुछ दो लैंग्वेज बताओ। सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड में तो सबसे प्रसिद्ध है आपका केदारनाथ टेम्पल है। हाँ। मैं तो सबसे कहूंगा कि पहले केदारनाथ टेम्पल आइए, उसके बाद हम आपको खाना खिलाएंगे भैया। हम भाषा चाहते हैं कुछ वो अपने उत्तराखंडी भाषा में हमारे कस्टमर को यहाँ पर बुलाना हो तो कैसे बुलाएंगे हम लोग? आओ कवैते हमारे दुकान में खाना खा लीजिए। ये हुई ना कोई बात, उत्तराखंड से भाई आप लोगों को बुला रहे, टाटा स्टील छोड़ दिए, ग्रैंड हयात छोड़ दिए, ब्लू रेडिशन ब्लू छोड़ दिए, और आप लोगों को बर्न एंड बारबेक्यू को बेहतरीन और जबरदस्त लाजवाब तरीके से हमें मोमोज यहाँ पर भाई खिला रहे हैं। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये पूरा एम्बियंस कैसा लगा, यहाँ पर स्टाफ्स का बिहेवियर कैसा लगा, खाना कैसा लगा, वो तो हम बता रहे कि लाजवाब लगा। आप लोग एक बार मस्ट विजिट करो, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि कैसा लगा, और जो यहाँ पर पहले आ चुके हैं वो भी ज़रूर कमेंट एक छोड़ देना, और आपका फेवरेट मोमो कौन सा है वो भी हमें ज़रूर बताइएगा।